हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे डीबी के बारे में। तो डीबी कैसे लगाया जाता है और ये देखिए हमने जो लगाया हुआ है वो पहले से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको ओपन किया है। ये डीबी है और इसका ये जो मेन स्विच है वो भी आपको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑफ हो गया और ये वापस ऑन हो गया। और ये जो अलग अलग रूम के हैं उस हिसाब से ये सब स्विच है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आपको दिखा देते हैं डीबी कैसे लगाया जाता है। ये यहाँ पे इसका जो काम है वो किया जा रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वीडियो है इसमें हम आप लोगों को डीबी लगाना बताएंगे कैसे लगाया जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें वायरिंग कैसे किया जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ये स्टैंड लगा दिया इसका और यह है स्प्रिंग वॉशर। ये देखिए यहाँ पे लगाया जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसी तरह दूसरी साइड में भी लगाएंगे हम लोग। ये आप वीडियो बता के भेजते हो? हां, वीडियो ना क्रिप्टो में जाता है ना। कितने पैसे मिलते हैं आपको इसके? आपको चैनल लेके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। और अभी सेम प्रोसेस ये नीचे वाले एंगल पे भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो इसको निकाल देंगे क्योंकि जब हम स्क्रू लगाएंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से इसको लगा सकते हैं हम लोग। ये देखिए इसका जो सामान है टूल्स वगैरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको निकाला जा रहा है। चलिए दोस्तों अभी हम इसको लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए पहले हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर हम इसको लगा देंगे अभी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रू लगा दिया हमने। और ये देखिए यहाँ एक साइड में लगा दिया, अभी दूसरी साइड में भी स्क्रू लगाना बाकी है। और फिर ऊपर लगाने के बाद में नीचे वाले स्क्रू भी हमको अच्छे से लगाने होंगे। देखिए अभी मैं चारों स्क्रू लगा के कंप्लीट है। और आपको दिखा देता हूँ मैं ये जो डीबी है वो। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने ये डीबी लगाया है। तो यहाँ पर एयरवोल्ट डीप पहले एक लगा हुआ था, अभी ये दूसरा भी हमने लगा दिया है। और अभी हम आपको दिखा देते हैं ये जो केबल ट्रे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो मेन केबल है वो जाएगा जो पैनल बोर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर इस पैनल बोर्ड में। और पैनल बोर्ड से ये जो डीबी दिख रहा है इसमें कनेक्शन किया जाएगा। और डीबी से जितना भी रूम वगैरह जो भी है उसमें सारा कनेक्शन किया जाएगा। सर हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें लगा रहे, मेहनत कर रहे, काम कर रहे। देखिए दोस्तों अभी ये लगा दिया और जो मेन केबल है वो इस केबल ट्रे से ओके। देखिए आपको दिखा देता हूँ जो मेन केबल है वो यहाँ से आके जो आपके सामने बड़ा जो पैनल पड़ा है उसमें लगाया जाएगा। और उसी पैनल से फिर जो यहाँ पर छोटे पैनल दिख रहे हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।